तो स्वागत है आपको मेरे चैनल मूवी स्नाइपर एक खोज में, जिसमें आपको पांच ऐसे वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसका इम्पैक्ट आपके दिलो दिमाग से कुछ दिनों तक छाए रहेंगे। स्ट्रेंजर थिंग ये एक ऐसी माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज है जिसमें आपके दिमाग को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर देगी। बाय गॉड, यदि आप गलती से भी इसका एक सीजन देख लिए ना, तो आपको अगले दो सीजन देखने के लिए मजबूर कर देगी। इसका मात्र 3 सीजन है, हर सीजन में 8 से 9 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट में ख़त्म होती है। इसमें आपको भर भर के ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, थ्रिल सब कुछ मिलेगा। इसके अप एंड डाउन साइड के कहानी में बिल्कुल आप खो जाओगे। इसको आप बिल्कुल बिंदास बच्चों के साथ देख सकते हो बेधड़क। तीसरे नंबर पे है इनटू द बैडलैंड्स। इसका क्रिएटर अल्फ्रेड गॉफ और माइंस मिलर। इसमें आपको मारधार, खून खराबा सब कुछ मिलेगा और कुछ अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने उजागर करेगी। इसमें एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा तीनों भरपूर है। इसका टोटल 3 सीजन है, जिसमें फर्स्ट सीजन में 6 एपिसोड, सेकेंड में 10 और थर्ड में 16 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के अंतराल में। You can't outrun who you are. नंबर पे है द सनारा क्रॉनिकल। फ्री में अवेलेबल है। इसका रेटिंग 7.2 है। इसका टोटल 2 सीजन है और प्रत्येक सीजन में 10-10 एपिसोड है और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें गजब का एडवेंचर, फैंटेसी और साइंस फिक्शन है। The demons won't stand a chance. There are dark days ahead. We have to go! The Four Lands is in grave danger. You three. You can save it. द विजन नेटफ्लिक्स पर लॉर्डन स्मिथ हिस्ट्रीज द्वारा बनाई गई एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा टीवी सीरीज है। यह 20 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर फर्स्ट सीजन का प्रीमियर हुआ था। इसका मात्र 1 सीजन है, इसमें टोटल 8 एपिसोड है। अगला सीजन का बेसब्री से इंतजार है। शो का हिंदी डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें हिंदी के कुछ बेहतरीन वर्ड यूज किए गए, जैसे कि नियति आर्यकता, जो कि आपको गूगल करने पर मजबूर करेगा। यह सो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट में वाइकिंग्स। यह सीरीज को बनाया है माइकल हिल्सी ने और यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके टोटल 6 सीजन अभी तक रिलीज हो चुके हैं। इसमें एक का दौर दिखाया है, जिसमें रेगनोर्क जो वॉरियर है के साथ साथ एक फार्मर भी है, इसी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारता है। उसका मानना है कि अगर वह हमारी दुनिया के वेस्ट में सफ़र करेगा तो ऐसी ज़मीन तक पहुंचेगा जिसको ग्लेन कहा जाता है। वहां के लोगों से सोना चांदी लूट सकता है, पता है उसके कबीले के लीडर को चल जाता है। उस प्लान का अंजाम दे पाता है या नहीं, उसका जानने के लिए आपको पूरा सीजन देखना पड़ेगा।
You can try.